नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाले हैं शॉमी द्वारा लॉन्च हुआ नया कॉलकॉम 3.0 क्विक चार्ज वाला नया चार्ज, जो कि भारतीय बाज़ारों में कस्टमर्स के लिए आ चुका है। ये चार्जर आपके फ़ोन के साथ में क्या क्या कर सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो चार्जर है ये आपको 9 वोल्ट 2 एम्पीयर वगैरह की पावरफुल देता है। चलिए देखते हैं फ़ोन ये चार्जर आपको कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा mi.com/in। उसमें जाएंगे तो आपको एक्सेसरी सेक्शन मिलेगा, आप क्लिक करें और उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सेसरीज़ है उसके अंदर, आपको चार्जर आराम से सर्च कर लीजिएगा। पहले पेज पे नहीं मिला तो दूसरा ब्राउज़ करिए, और दूसरा ब्राउज़ नहीं करो तीसरा लास्ट पेज पे ब्राउज़ करिए। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर चार्जर दिख रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा नए विंडोज़ में, और आपको दिखेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड एडाप्टर 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, जो कि इस समय नया है और भारतीय कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। और इसकी कीमत जो रखी गई है वो है 449 रुपीज़, जो कि आपको 599 का मिलता था, जिसमें 150 रुपये की आपको डिस्काउंट है। आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है और ऐड टू कार्ट करके आप इसको मंगा सकते हैं। चलिए स्पेसिफिकेशन देखते हैं इसके लिए। तो ये जो न्यूली डिज़ाइन 380 वोल्ट तक का आपको जो है पावर सप्लाई झेल सकता है, और इसको कूल रखने के लिए 30 डिग्री के टेम्परेचर में प्रिवेंशन किया, इससे ज़्यादा हीट नहीं होगी। तो इसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। क्विक चार्ज 3.0 का मतलब है कि आपका जो ट्रेडिशनल जो चार्जर है उससे 1 एम्पीयर जो है उससे 2 गुना ज़्यादा स्पीड में चार्ज करेगा, 35% ज़्यादा एफिशिएंट होगा कॉलकॉम क्विक चार्ज 2.0 के साथ में। तो ये 12 वोल्ट वगैरह का करता है, 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का कर देगा आपको। फिर उसके बाद में 5 वोल्ट 3 एम्पीयर तक का चार्ज करेगा, और 12 वोल्ट से 1.5 एम्पीयर तक का। तो ये एक तरह से फास्ट चार्जर भारतीय कस्टमर्स के लिए बनाया गया है कॉलकॉम क्विक चार्ज 3.0 के लिए, और ये शॉमी की तरफ से आया गया है भारतीय कस्टमर्स के लिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो फ़ोन ये जो बन रहा है ये इंडियन कस्टमर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये मेड इन चाइना का ही वर्जन है, मेड इन इंडिया नहीं है, और आपको सिर्फ ब्लैक कलर्स में ही अवेलेबल है। तो इसमें हमें कुछ खास बात बताने वाला हूँ, क्विक चार्ज किसको इसको सपोर्ट करता है। हो सकता है आपको मोबाइल सपोर्ट ना करता, तो मैंने कुछ यहाँ पे बनाए हैं चार्ट्स, उसमें बता दूँ। शॉमी मी 5 जो कि भारतीय बाज़ारों में अवेलेबल है उसमें सपोर्ट करेगा ये, और दूसरा जो है शॉमी मी 5S है उसमें सपोर्ट करेगा, शॉमी मी 5S प्लस। उसमें एक चीज़ बता दूँ, ये जो लाल लाइनें हैं ये बताती हैं कि ये जो फ़ोन्स हैं ये इंडिया में अवेलेबल है, और जो विदाउट लाइंस वाली है वो बताती है कि फ़ोन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको अभी दिखा दूँ, अगला जो चार्ज सपोर्ट करने वाला है वो है, अभी MI A1 भी आया है, तो MI A1 पे ओरियो का अपडेट आ चुका है, इसलिए अब उसको भी वो सपोर्ट करने वाला है। तो शॉमी मी 5 हो गया, मी 5S हो गया, मी 5S प्लस हो गया है, और इंडिया में जो आने वाला है वो मी मैक्स 2 है, इंडिया में अवेलेबल है। शॉमी मी मिक्स 2 है इंडिया में जो अवेलेबल है, तो उसमें सपोर्ट करने वाला है। फिर अगला है मी 6 है, मी मैक्स है, ठीक है, जो कि भारत में अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद में देखते हैं मी नोट 2, ये भी भारतीय बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। तो अभी भारतीय बाज़ार में जो अवेलेबल है वो मी मैक्स 2, मी मिक्स 2, मी 5 और MI A1, जिसमें ओरियो का अपडेट आ गया है और उसमें क्विक चार्ज करने वाला है। तो ये रेडमी यूज़र्स के लिए नहीं है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि रेडमी के यूज़र जो बजट फ़ोन है 13,000 के अंदर उसमें सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ मी के फ़ोन्स को सपोर्ट करता है भारतीय बाज़ार में। हम कंपनी से चाहेंगे कि उसके लिए भी जल्द से जल्दी लेकर आए। आशा करते दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। भेजिए टेक्निकल देखने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।